जातिवादी शिक्षक शेर सिंग का जातिवादी नाटक दलित पाहिजे दलित पाहिजे दलित पाहिजे दलित पाहिजे। स्कूल के मटके में से पानी पिया तो उसके टीचर ने उसको इतना मारा कि उसकी अस्पताल में मौत हो गई। एक मटके का पानी एक गिलास के लिए जो बाबा साहब अम्बेडकर ने महाड़ में 14 तला का सत्याग्रह करके हमें पानी दिया, आज फिर दोबारा वही लोग पानी रुका कर हमको एक अलग तरीके से देखने का काम कर रहे हैं। ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। जिस तरह से उस मुस्लिम महिला के साथ गैंगरेप हुआ और उसके आरोपियों को निर्दोष छोड़ा गया, यह सबसे बड़ा घटना है, इसका हम यहाँ पे निषेध करते हैं। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चौक पर दलित समाज के बौद्ध उपासक उपासिका समन्वय संस्था और मास संगठना, ये दोनों संगठन के कार्यकर्ता, इसमें प्रवीण पवार, बापू मकरे, राजा भाई सूर्यवंशी, ऐसे तमाम लोगों ने उत्तर प्रदेश और राजस्थान में दलित बच्चों की टीचरों द्वारा पिटाई से मौत और बिल्किस बानो केस में 11 दोषियों को आज़ादी के अमृत महोत्सव पर उन्हें आज़ाद कर देने पर आज एहतजाज किया है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां किसी भी धर्म जाति में भेदभाव नहीं किया जाता है, मगर आज भी इसी भारत देश में कुछ ऐसे गंदी मानसिकता वाले लोग हैं जो धर्म और जाति के नाम पर किसी की जान लेने से भी नहीं चूकते हैं। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में 250 रुपया स्कूल का फीस न जमा कर पाने से टीचर ने तीसरी क्लास में पढ़ने वाले ब्रजेश विश्वकर्मा की इस तरह से पिटाई की कि उसकी मौत हो गई। और इसी तरह से राजस्थान के जालौर में 9 साल के इंद्र सुराणा, जो दलित बच्चा था, इसने स्कूल में रखी पानी की मटकी छू दी थी, जिससे टीचर ने इस बच्चे की इतनी पिटाई की कि इसकी मौत हो गई। जरा सोचिए, ये वही टीचर है जिन पर बच्चों को ज्ञान सिखाने की जिम्मेदारी होती है। जब इसी टीचर के दिल दिमाग में जाति और धर्म के नाम पर जहर नफरत भरा हो तो जरा सोचिए ये बच्चों को कैसी शिक्षा देगा, और शिक्षा ऐसे टीचर क्या देंगे, इन टीचरों ने तो बच्चों की जान भी ली। दलित समाज के लोगों ने आज इन टीचरों को कड़ी सजा दिलाने की मांग करते हुए ये भी कहा कि जिस देश में बिल्किस बानो के दोषियों को आज़ादी के अमृत महोत्सव पर माफ़ करके उन्हें आज़ाद कर दिया गया हो, इस देश में महिलाओं को इंसाफ कैसे मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। आज मुंब्रा के भीमराव अंबेडकर चौक पर दलित समाज के लोगों ने एहतजाज किया है और क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। राजस्थान और यूपी में जो स्कूल में बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, एक राजस्थान का लड़का सिर्फ पानी पीने के लिए उसने स्कूल के मटके में से पानी पिया तो उसके टीचर ने उसको इतना मारा कि उसकी अस्पताल में मौत हो गई। वही यूपी में स्कूल का एक तीसरी या चौथी क्लास का पढ़ने वाला बच्चा, उसके महज 250 रुपया स्कूल का फीस बाकी था, इसके लिए उसके टीचर ने इतना उसको मारा है कि उसकी अस्पताल में मौत हो गई। कहीं तो कहीं ना कहीं इस देश में फिर से मनुवाद का जो साम्राज्य फैल रहा है उसके खिलाफ हम लोग हैं। ये जो मनुवादी शक्तियाँ हैं, जो जाति भेद करने वाले लोग हैं, इनको कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। इसके लिए हम लोग सब मुंब्रा के दलित समाज के संगठन के लोग, हर पार्टी के लोग एकजुट आकर हम लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, निषेध दर्शा रहे हैं। आदरणीय रामदास जी आठवले साहब ने जाके वहाँ उस घर को भेंट दी है, पार्टी की तरफ से 3 लाख रुपया एक छोटी सी भेंट करके दी है। मगर आप देखा जाए तो एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे पूरे देश में 75वां प्रजासत्ता दिन अपन मना रहे हैं, आज़ादी का, और एक तरफ कहते हैं कि हर घर झंडा लगाओ, अमृत महोत्सव बनाओ, मगर उसी देश में आज भी अगर दलितों के बच्चों की हत्याकांड होती है तो इससे बड़ा निषेध इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं। लोग कहते हैं कि यहाँ पे जातिवाद खत्म हुआ है, जातिवाद फिर से ये लोगों में आज भी वापस दोहरा रहा है, और हम मुंब्रा के सभी लोगों की तरफ से, सभी मेरी माँ बहनों की तरफ से, उन लोगों को फांसी की शिक्षा होनी चाहिए। क्योंकि एक मटके का पानी एक गिलास के लिए जो बाबा साहब अम्बेडकर ने महाड़ में 14 तला का सत्याग्रह करके हमें पानी दिया, आज फिर दोबारा वही लोग पानी रुका कर हमको एक अलग तरीके से देखने का काम कर रहे हैं। मैं सभी संगठन की तरफ से, आरपीआई की तरफ से, मैं ऐसी
गवर्नमेंट से करता हूँ कि वो सरकार तो बरकस होना चाहिए। मोदी जी आप एक जगह एक क्या कर रहे हो, आप देश के प्राइम मिनिस्टर हो और उस देश में अगर 75वां अपना देश का दिन मनाया जा रहा है और उसी दिन अगर उसी साल में उसी दो दिन में अगर दलित समाज दलित बच्चों की अगर हत्या होने लगी तो इससे बड़ी शर्मनाक बात और कोई नहीं है। इसलिए हम इसका निषेध करते और जल्दी से जल्दी उन आरोपी को अटक करके फांसी होनी चाहिए, ऐसे हम डिमांड करते हैं कि भारत देश में फिर से हम इस 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, मगर हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हम कहीं 15वीं 16वीं शताब्दी में जातीय व्यवस्था जो होती थी पूर्व काल में, जिस तरह से जाति जाति की उत्तरेण हम कहते थे श्रेष्ठ और कनिष्ठ, इस प्रकार की जाति व्यवस्था फिर से निर्माण करने का काम यहाँ पे इस व्यवस्था की ओर से चल रहा है। और यहाँ पे हमें ये खेद से कहना पड़ रहा है कि हमारे देश का जो दलित है वो अगर अपने हक के लिए लड़ता है तो उसे नक्सलाइट घोषित किया जाता है, और मुसलमान अपने हक के लिए लड़ता है तो उसे आतंकवादी घोषित किया जाता है। और ये हमें अभी राष्ट्र प्रेम सिखाते हैं। आज इस 21वीं शताब्दी के अंदर तंत्रज्ञान का युग हम जिसे कहते हैं उसके अंदर इतनी बड़ी जातीयता इन लोग अपने में डाल रहे, फूट डाल रहे। एक बच्चे ने पानी का ग्लास क्या छू लिया उसको मारा जाता है। इस समय मुझे साहित्य सम्राट अन्नाभाऊ साठे के एक वाक्य याद आता है, ये आज़ादी झूठी है देश की जनता भूखी है, यानी आज़ादी का दिन तो आ जाता है मगर आज़ादी हमें दिखती नहीं है। इस तरह के बोल उन्होंने उस टाइम 16 अगस्त 1947 को कहा था। उनकी दूरदृष्टि क्या थी कि आज हमें वारंवार इसका हमें एहसास दिला रही है। तो इस तरह से जहाँ जहाँ ये महाराष्ट्र के अंदर होए कि भारत के अंदर अलग अलग राज्यों में दलितों पे पिछड़ों पे अन्याय हो रहा है, ये कहीं रुकना चाहिए। और रुकाने के लिए मानसिकता इनकी नहीं है, क्योंकि ये फिर से मनुवाद हम पे लादना चाहते हैं। इस समय जिस तरह से उस मुस्लिम महिला के साथ गैंगरेप हुआ और उसके आरोपियों को निर्दोष छोड़ा गया, ये सबसे बड़ा घटना है, इसका हम यहाँ पे निषेध करते हैं। यहाँ पे जातीय व्यवस्था और धर्म व्यवस्था जो धर्म धर्म में एक हमें विघटन करने का काम इस माध्यम से चल रहा है, ये कहीं रुकना चाहिए। ऐसे हम यहाँ के मुमरा वासियों की तरफ से, यहाँ के जितने भी संगठन है, दलित संगठन है या समविचारी है जो बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं, उनकी तरफ से हम इस सरकार को विनंती करेंगे कि जो कुछ घटना हुआ है उस घटने में जो कोई आरोपी शामिल है उनको फांसी की शिक्षा मिलनी चाहिए और जल्द से जल्द अटक करके उनको फांसी की शिक्षा देनी चाहिए। एक बच्चे दलित बच्चे ने स्कूल में मड़के से पानी पिया बोल के जो वहाँ का जो मनुवादी जो जातिवादी शिक्षक था उसने जो उसको मारपीट की है, उस बच्चे को जो हॉस्पिटल में जो सेवा लेते टाइम उसका वहीं पे मृत्यु हो गया है। तो मैं निश्चित करती हूँ राजस्थान प्रशासन का और वही दूसरी जगह पे उत्तर प्रदेश में भी ऐसी घटना हुई, वहाँ पे मैं से एक बच्चे ने 250 रुपये फीस भरने में लेट किया तो उस बच्चे को भी बहुत बुरी तरह से मारपीट किया गया और उसको भी हॉस्पिटल में जब हॉस्पिटल में उपचार के दौरान उसकी भी मौत हो गई है। तो ऐसे उत्तर प्रदेश के जो प्रशासन है उस प्रशासन का मैं निश्चित करती हूँ।